में जहां देश संकट के दौर से गुजर रहा है, तो वहीं वैक्सीन आने के बाद भी विभिन्न राजनीति दलों ने वैक्सीनेशन को लेकर कई सवाल उठाए हैं। कोरोना काल में जहां देश संकट के दौर से गुजर रहा है, तो वहीं वैक्सीन आने के बाद भी विभिन्न राजनीति दलों में वैक्सीनेशन को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं, जिस पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, वह संकट के दौर में राजनीति करने से नहीं चूक रही हैं, लगातार बयानबाजी करके राष्ट्रीय विरोधी काम कर रही हैं। डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि मुलायम सिंह के बेटे भी वैक्सीन को लेकर कई सवाल उठा चुके हैं, वैक्सीन को भाजपा की बता चुके हैं, तो संकट के दौर में डॉक्टर सिंह ने सभी से अपील करते हुए कहा है कि सभी एक होकर मिलकर कार्य करें। निकाय एवं पंचायत चुनावों की पूछे जाने पर कहा कि हालात सही होते ही बहुत जल्द निकाय पंचायत एवं अन्य जो भी चुनाव होने हैं वो कराए जाएंगे। इस मौके पर राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया और क्षेत्रीय सांसद संध्या राय भी मौजूद रहीं। एक्चुअली ये राष्ट्र विघातक और राष्ट्र विरोधी बयान भी है। आप लोगों की जिंदगी नहीं चाहते हो, आप ये नहीं चाहते लोग वैक्सीनेशन करें, आप ये नहीं चाहते लोग सुरक्षित रहें, लोग जिंदा रहें। ऐसे हमारे मुलायम सिंह यादव जी के बेटे वो कह रहे हैं बीजेपी की वैक्सीन है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देकर ये राष्ट्र के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ विभिन्न पार्टियों के नेताओं से कि गैर जिम्मेदाराना बयान मत करो, ये संकट का काल है। ये जो है ना संकट के काल में सब लोग एक साथ खड़े। निकाय पंचायत चुनाव क्या है, कोरोना के कारण जो सब पंचायत ये सब चुनाव को थोड़ा रोक के रखा था, अब जैसे ही शांति होगी निकाय के भी चुनाव कराएंगे, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के भी कराएंगे, नगरीय प्रशासन कराएंगे, और जो मेरा डिपार्टमेंट है ये भी चुनाव नहीं हुए 2-3 साल से, हमारा सहकारिता विभाग के भी ऐसे बड़ा चुनाव होता है 6 महीने का, तो उसको भी हम जल्दी शुरुआत करें।